नेक्स्ट वन इज लेबनीज कैलकुलेटर. लेबनीज कैलकुलेटर वॉज इन्वेंटेड बाय जर्मन मैथमेटिशियन गॉट प्रायर लेबनीज इन द ईयर 1671. इसको किसने कैलकुलेट किया था? एक जर्मन के मैथमेटिशियन थे जिनका नेम था गॉट फ्रायड लेबनीज. कब किया था? 1671 में. दिस मैकेनिकल कैलकुलेटर कुड डू एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन डिवीजन एंड ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट्स. अभी तक आप लोगों ने जितना ही पढ़ा होगा उसमें बस कैलकुलेटर डिवाइस होते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन. ओके, बट इस यहां से शुरुआत हुआ कि हम इस डिवाइस से स्क्वायर रूट डिफाइन कर सकते थे. ओके, नेक्स्ट वन इज डिफरेंस इंजन. द डिफरेंस इंजन वॉज इन्वेंटेड बाई चार्ल्स बेबेज. डिफरेंस इंजन को किसने इन्वेंट किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था. अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन इन द ईयर 1822. दिस डिवाइस वॉज कैपेबल ऑफ प्रिपेयरिंग एरर फ्री मैथमेटिकल टेबल्स. और इस डिवाइस को कैपेबल बनाया गया था कि इस डिवाइस से हम लोग जो प्रॉब्लम होती थी, जो भी एरर गलतियां आती थी, उससे हम लोग सॉल्व कर निकाल सकते थे. ओके, नेक्स्ट वन इज एनालिटिकल इंजन. चार्ल्स बेबेज इन्वेंटेड द फर्स्ट जनरल पर्पज कम्प्यूटर इन 1837. चार्ल्स बेबेज ने इस एनालिटिकल इंजन को 1837 में फर्स्ट जनरल पर्पज कम्प्यूटर इन्वेंट किया था. दिस कैलकुलेटिंग डिवाइस हैड थ्री बेसिक एलिमेंट्स लाइक एज मॉडर्न कम्प्यूटर. और इस डिवाइस में एकदम प्रेजेंट टाइम में जैसे कम्प्यूटर में रहता था वैसे रहता था, जैसे इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेज. ऑल द मॉडर्न कम्प्यूटर्स फंक्शन बेस्ड ऑन This technique of analytical engine. Charles Babbage is regarded as the father of modern computing for this contribution. और इस क्योंकि चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता था. क्यों कहा जाता था? बिकॉज अभी तक के जितने भी डिवाइस में समय अभी तक के जितने भी डिवाइस इन्वेंट हुई थी सब में केवल कैलकुलेटर डिवाइस होता था. बट ये जो डिवाइस आया इसमें ऐसे कंप्यूटर की तरह ही स्टार्ट हुआ, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी डिवाइसेज. सो इसको इसीलिए हम चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं. ओके, नेक्स्ट वन इज ENIAC. ENIAC स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर. इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पज इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर डिजाइंड बाई जॉन मॉची एंड जे प्रेस्पर इकर्ट. इट वेट 30 टोन्स एंड कंज्यूम 200 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. इट कंसिस्टेड ऑफ 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड ऑक्यूपाइड 63 स्क्वायर मीटर ऑफ द स्पेस. ये देखो ENIAC का फिगर है. ओके, द UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर वॉज द सेकेंड कॉमर्शली अवेलेबल कंप्यूटर आफ्टर BINAC बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर. UNIVAC स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर. UNIVAC 1 वॉज डेवलप्ड बाई जॉन मॉची एंड जे प्रेस्पर एकर्ट. In 1951, it was the first commercially available electronic computer. It was also the first computer which was capable of handling both numerical and textual data. UNIVAC weighted approximately 13,000 kilograms. देखो ENIAC एंड UNIVAC एक ऐसे डिवाइस थे जो बहुत सारे जगह में यूज होते थे. मतलब कि और इसमें बहुत सारे वैक्यूम ट्यूब लगे होते थे, एटलीस्ट 18,000 ट्यूब लगे होते थे. और जितने जगह में ये फिट होता था बहुत सारे स्क्वायर फीट में फिट होता था. जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा 63 स्क्वायर मीटर्स में ये पूरा एक्यूपाइड किया था. ओके, ये दोनों चीजें जो ये दोनों ENIAC एंड UNIVAC ये दोनों टेक्स्टुअली मतलब इस पर हम टेक्स्टुअली भी डिवाइस यूज करते थे और न्यूमेरिकल कर भी कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज कर सकते थे. तो आप लोग ये चैप्टर लिसन करो, सुनो, समझो और जो भी क्वेरी हो प्लीज मुझे आस्किंग करो. ओके, नेक्स्ट एंड आई विल डिस्क्राइब आई थिंक जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स. ओके, थैंक यू.